अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी चिकन दम बिरयानी। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है, इसे अच्छे से वॉश करके रखा है। मैं ऐड करूंगी हरी मिर्ची का पेस्ट। मैं इसमें ऐड करूंगी ये 2 teaspoon नमक है, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर है, 2 teaspoon लाल मिर्ची पाउडर है, 3 tablespoon मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये सबको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। 2 teaspoon मैं होममेड गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी। 1 teaspoon फुल मैं चाट मसाला पाउडर डालूंगी। चाट मसाला पाउडर डालने से बिरयानी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और 250 grams दही है, ये ऐड करूंगी। थोड़ी सी कोथमीर, पुदीना और प्याज को मैंने फ्राई करके रखा था। करूंगी तेल जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, यह 1/2 cup तेल है। अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे 1/2 hour के लिए मैरिनेट करके ऐसे ही रखूंगी। ये 1 kg बासमती राइस है, मैंने इसे 1/2 hour पहले अच्छे से वॉश करके भिगा के रखा है। हो गया ही, अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब हम चावल को बॉईल कर लेंगे। पानी बॉईल होने के लिए रखा है, अब इसमें ऐड करूंगी मैं नमक, 2 teaspoon नमक करूंगी, थोड़ा सा कोथमीर, थोड़ा पुदीना, ये 1 teaspoon शाजीरा है, 4 से 5 इलायची है, 4 से 5 लौंग है, 2 हरी मिर्ची है, थोड़ा सा दालचीनी है। इसमें ऐड करूंगी 1 नींबू का रस। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मसाले ऐड कर। इसे बॉइल्ड हो गया है, अब इसमें ऐड करूंगी मैं चावल। देखिए चावल अच्छे से बॉइल्ड हो गए हैं, अब हम इसे निथार लेंगे। अब इसमें ऐड करूंगी मैं चावल। बिस्मिल्लाह, चावलों की एक अच्छे से लेयर लगा लेंगे हम। ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा सैफ्रॉन फूड कलर, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा कोथमीर पुदीना। मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा घी। फिर से मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। देखिए फिर से मैं इसमें ऐड करूंगी ये फूड कलर, प्याज, कोथमीर। मैं इसमें ऐड करूंगी जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था तेल। मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा घी। 30 मिनट्स में इसे हाई फ्लेम पे रखूंगी, फिर मैं 30 मिनट्स के लिए इसे लो फ्लेम पे हम अच्छे से इसे दम देंगे। मैंने डिश आउट कर लिया है, चिकन दम बिरयानी रेडी है। अब आप इसे सर्व कीजिए मिर्चियों के सालन के साथ या दही की चटनी के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।